फ्रेंड्स, मैरी क्रिसमस। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही टेस्टी केक, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं। आप देख सकते हो हमारा केक कितनी अच्छी तरीके से हुआ है, कितना स्पॉन्जी एंड सॉफ्टी है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। इस केक को बनाने के लिए मैंने इधर 2 अंडे का इस्तेमाल किया है। अब हम अंडों को अच्छे से फेंट लेंगे। अब हमें क्या करना है कि कोई भी एक कप ले लीजिए, इसे हम सभी मेजरमेंट करेंगे। इस कप से मैंने इधर 2 कप पाउडर शुगर लिया है, यानी कि चीनी को मैंने इधर मिक्सर में पीस लिया था। सेम कप से हम इधर 1 कप मैदा यूज कर रहे हैं। अच्छे से हम सभी चीजों को छान लेंगे। आप देख सकते हो अंडा हमने अच्छे से फेंट लिया है। हमारे पाउडर शुगर डालते जाएंगे और एक हाथ से इसको मिक्स करते जाएंगे, जिससे कि क्या होगा कि केक जो है काफी फ्लफी बनेगा। अब हम इसी सेम कप से 1 कप ऑयल डाल लेंगे। हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। आप देख सकते हो ना ही हमने कोई इलेक्ट्रॉनिक बीटर यूज किया है, ना ही कोई विस्क, सिर्फ एक स्पून यूज करें और हमारा जो केक का बैटर है कितना फ्लफी हुआ है। इसके अंदर अभी मैंने थोड़ा सा दूध डाल दिया है। इधर मैंने करीब 1 कप की तरह मिल्क ऐड किया है। मिल्क को जो है बॉईल कर ले और बॉईल करके ठंडा कर ले। अब हम एक बर्तन या फिर एक केक टिन जिसमें हम केक बनाएंगे, इसको हम ऑयल से ग्रीस करके इसके अंदर एक बटर पेपर लगा देंगे। और अब हम जो हमारा बैटर है केक का, इसके अंदर थोड़ा बेकिंग सोडा मिला देंगे। आप देख सकते हो हमारा केक का बैटर कितना अच्छा बना है। बिल्कुल आपका बैटर भी ऐसे ही होना चाहिए। अब हम इस बोल को थोड़ा सा टैप टैप करके इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स देके इसको सजा लेंगे। अब हम एक प्रेशर कुकर को हीट करके इसके अंदर थोड़ा नमक दे देंगे, जिससे कि क्या होगा, हम जो भी इसके अंदर बर्तन रखेंगे वो जलेगा नहीं। अब हमको 30-40 मिनट के लिए होने देंगे। आप देख सकते हो कि हो चुका है। इसके जो अब साइड के बटर पेपर्स है इसको हम हटा देंगे। कितना अच्छा सॉफ्टी केक बना है, आप देख सकते हो। ये खाने में भी उतना ही यमी है। तो गाइस, इस केक को अपने क्रिसमस में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसा हुआ। पर इससे पहले, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले अच्छे अच्छे रेसिपी की वीडियो सब तक पहुँच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।